Dear students, today we are going to study about class 8, Social Science Geography, chapter number 4, Agriculture, part 2. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 के सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4, पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे. इन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट the types of farming, commercial farming and mixed farming. In this through video we discuss about the plantations major crops. In a plantations are a type of the commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown, large amount of labor and capital are required. The product produced may be processed on the farm itself in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical regions of the world, rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. यहाँ पर plantations रोपण कृषि के बारे में. वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ पर चाय, कभा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं. इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है. उत्पाद का संप्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है. इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है. रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं. मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कभा और भारत में श्रीलंका में चाय के इसके कुछ उदाहरण हैं. द मेजर क्रॉप्स आर लार्ज वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज. मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, माइज, मेल्ट, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. इंपॉर्टेंट वीएवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी. बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं. गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं. जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं. चाय और कभा मुख्य पेय फसलें हैं. राइस, राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. इट ग्रोज वेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाई इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टू द थ्री क्रॉप्स आर ईयर आर ग्रोन. जो चावल की खेती की जाती है यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है. यह उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है. चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है. ये फसल चीकायुक्त जड़ोड़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है. चीन चावल उत्पादन में अग्रणीय है. इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं. अनुकूल जलवायु दशाएं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं. वीट, वीट रिक्वायर्ड द मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. इसी तरह से गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान तथा वर्षा और
सस्य कर्तर यानी फसल की जो कटाई है के करते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इट थ्रेप्स वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लॉनली सॉइल, और ये फसल डोमट मिट्टी में अधिक उपजाऊ, जो डोमट मिट्टी है उसमें सर्वोत्तम ढंग से ये उगती है। द माइस मैज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ द सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टिल सॉइल। मैज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रूसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। जो मक्का की फसल की जाती है, मैज की फसल की जाती है, तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन कपास की जो खेती है, कॉटन रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो कपास है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। यह ब्लैक सॉइल में और एलुवियल सॉइल में यानी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में ये सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जूट, पटसन। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। जूट को सुनहरा सोना भी कहा जाता है। यह जड़ोड़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स फॉलोइंग बाई कोलम्बिया एंड इंडिया। कॉफ़ी का उत्पादन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लीडर टेंडर लीव्स। इसी तरह से चाय की जो खेती है, इसमें द एवरेज क्रॉप ऑफ ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, जो चाय के बागवान हैं, बागवानों में पाई जाती है, एक पेय पदार्थ फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर
संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए शुक्रवार दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। यह पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फ्रॉम प्रोडक्शंस इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो कृषि का विकास है, कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना है या बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वे सच एज इंक्रीजिंग इन क्रॉप टी एरिया द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज द फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। मशीनेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। इसी तरह से कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए हुए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा इस एग्रीकल्चर वर्क को डेवलप किया जा सकता है। कृषि में मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कृषि का जो विकास है वो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल बिल्ड होल्डिंग मोस्टली फॉर सस्टेंस। लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प ऑफ टू केसेस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फार्म्स इंडिया एंड अदर फार्म्स ऑफ USA, लेट अस बी अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर हैज़ द डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कृषि का जो विकास है वो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। यहाँ पर अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम दो फार्मों के बारे में, भारत और दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। अ फार्म इन इंडिया, भारत में किस तरह की खेती, एक भारत का जो एक फार्म है। तो देयर इज अ स्मॉल विलेज अलीदाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मनोहर लाल मोहन इज अ स्मॉल फार्मर इन अ विलेज हु हैज फार्मलैंड अबाउट द 1.5 हेक्टेयर। हिज हाउस इज इन अ मेन विलेज। ही परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेटिव ईयर। द लैंड इज फर्टिल एंड ही ग्रो एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड द पल्सेस। द फार्मर टेक्स एडवाइस टू हिज फ्रेंड द एल्डर एज वेल द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट फॉर फुलिंग हिज फील्ड थ्रो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक्स फॉर पुलिंग। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में एक आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है। उसके पास में 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है।
उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से बरसों से एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम दो फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ में साथ सरकारी तथा सरकार जो कृषि अधिकारी हैं उनसे कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए अपने बड़े भाई का पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की जो परंपरागत विधि है उसका प्रयोग करते हैं। द मुन्नालाल आल्सो हैज टू फॉलोज एंड फ्यू हैंड्स। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो डिवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ द फोल्डर फॉर हिज एनिमल्स। सेफ्टी measures to protect the health of the livestock and artificial inseminations। इसी तरह से सिंचाई के लिए वह कुछ चीज़ें ऐसी भाड़ पर लेता है। मुन्नालाल के पास में दो भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य भी है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिमिक गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सरकारी समिति से भी बीज की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फॉर्म इन यूएसए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस तरह की फार्मिंग की जाती है, किस तरह की खेती की जाती है? अ फार्म इन द यूएसए, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। अ ट्रॉपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। द फार्मर जनरली रिजाइड इन द फार्म। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड सुगर वीट, जोए, हॉर्न। अ फार्मर इन अ मिडवेस्ट यूएसए इन लोअर स्टेट ऑन अबाउट 300 हेक्टर ऑफ लैंड। ही ग्रोज कॉर्न इन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर डैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स of this crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to the soil testing laboratory to check whether the nutrient and sufficient or not. The result help Joy Horin to plant to साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम्स। जो यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जो फार्म है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का एक औसत जो भारतीय फार्म की तुलना में बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान के होरन के पास में 300 हेक्टेयर की भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह अपने आश्वस्त हो जाता है कि मृदा जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। इसी तरह से समय समय पर मृदा के नमूनों को वह मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता रहता है और वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में भी मदद करता है। उसका कंप्यूटर संगणन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आवश्यकताओं का प्रयोग करने के लिए मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीजों की बोने की मशीनें और समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का भी प्रयोग इस कृषि में करता है।
बाजार अभिकरण मार्केट पर भी वह मार्केट एजेंसी में इसको भेजता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसान एक व्यापारिक की तरह काम करता है।